और बड़ा हो जाएगा तो हमको लेके डूबेगा। तो इस समय ये मारने का काम करें, क्योंकि अमावस्या के समय कोई भी फूल पत्ती फूल कम हो जाएंगे, और पूर्णिमा के समय, और जैसे अमावस्या के समय समझिए ना कि आप कीड़े मकोड़े मारना है तो अमावस्या के समय प्रिवेंटिव डाल देंगे, आपको बहने भर झंझट नहीं रहेगा, क्योंकि पैदा होते हुए उसको खत्म करके तो ज्यादा हम बर्बादी नहीं करेंगे। अब दूसरा है सीड कब लगाना चाहिए, नर्सरी कब डालना चाहिए, बीजा कब लगाना चाहिए। अमावस्या के बाद एकम होता है ना, एकम के बाद दूज क्या बोलते हैं आप लोग, दूज बोलते हैं ना, ये दूज के बाद एक एक दो तीन 14 और 15 दिन है ना, 15 दिन में पूर्णिमा आएगी। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 दिन, 6 से 7 दिन क्या करना चाहिए हमको, नर्सरी लगाओ, सीड लगाओ, आपका 100% जर्मिनेशन आएगा पहले हफ्ता। सेकंड डे अमावस्या का एक दिन बाद, उसका रीजन क्या है कि आप देखिए कि अमावस्या के समय अभी चांद नहीं दिखेगा, एकम के बाद दूध को हल्का सा दिखता है चांद, चंद्र दर्शन बोलते हैं ना, तो दूज के दिन हल्का चांद रहेगा, उसके बाद बड़ा 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 होते जाएगा और पूर्णिमा के समय पूरा फुल मून होता है। तो चांद का जो ग्रेविटेशन फोर्स रहता है, जब हमारा सीड जब हम डालते हैं ना तो उसको ग्रेविटेशन फोर्स का सपोर्ट मिलता है, तो 1 2 3 दिन पानी में भीगते लगेगा सीड को, गीला होगा तब उसका कवर टूटेगा, तब वो सीड बाहर आएगा, और जैसी सीड बाहर आने की कोशिश कर रहा है उसको चांद का ग्रेविटेशन फोर्स मिलता है। तो अमावस्या के समय हम डालेंगे तो कीड़े मकोड़े फंगस बैक्टीरिया मार दिया तो वो पौधा क्योर हो गया, उसको प्रिवेंटिव, उसके बाद कोई कीड़े मकोड़े नहीं लगना है। उसके बाद जैसे ही यहाँ उग रहा है, चांद बड़ा हो गया तो उसको सपोर्ट मिल गया, हेल्दी वेदर आ गया। खाद जैसे पूर्णिमा कीट को पूर्णिमा के समय क्यों डाला जाता है, घुमा दे रखे फटाफट, तो ये जो 3 दिन पहले 1 2 3 4 5 6 दिन ये 6 दिन में प्लांट खाता सबसे ज्यादा है, यानी इस 15 दिन में प्लांट अपटेक ज्यादा करता है। तो ये जो बैक्टीरिया हम उस समय डालेंगे तो बैक्टीरिया इतना डीएपी यूरिया पोटास इतना ज्यादा अपटेक करेगा। तो जैसे जो चाय के गार्डन में जो बात हुई, आप एकदम ध्यान से समझिए, आप लोग सभी के लिए, तो 10 मिनट के बाद बारिश हो जाए हमको डरने की जरूरत नहीं कि धुल गया मेरा पानी, मेरा पूरा बेकार हो गया, क्योंकि बैक्टीरिया पानी से नहीं धुलता। हाँ, ये पूरी कीट बनाएंगे, ये 250 लीटर, 500 लीटर, ये 2.5 एकड़ का स्प्रे हो रहा है, 1 एकड़ में 200 लीटर पानी लगेगा। हाँ, और इसका क्या वॉल्यूम जितना अच्छा फैले तो उतना अच्छा काम करेगा। बारिश की जो फॉग है वो बैक्टीरिया जहाँ जहाँ बैठेगा, क्योंकि हर चीज़ का ग्रेविटेशन, जैसे पत्ता है इधर से आए जो बगल से किया है, पत्ते का ग्रेविटेशन सामने कपड़ा रखते हैं तो ऐसा खींचता है, तो वैसे ही हर पत्ते का एक ग्रेविटेशन फोर्स रहता है जो इस पानी को खींच लेता है, और पत्ते में चिपक गया है ना हम जीत गए। आप देखिए ना, इतना ये फील्ड में घास रहने के बाद भी आपको एक पौधे में आपको कीड़ा नहीं दिखेगा। वो पावर स्प्रे से भी कर सकते हैं, हैंड स्प्रे से किसी से भी आप कर सकते हैं, वो जिसके पास जो सुविधा है, कि ऐसा कोई नहीं किसी से ही करना है, और जमीन में भी डाल सकते हैं और फसल में भी डाल सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये स्प्रेयर नहीं है, मेरे पास लेबर नहीं है, तो मैं ड्रिप से भी चला सकता हूँ, पर ये ड्रिप के लिए इसका डोज थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जमीन में बैक्टीरिया बढ़ जाएगा। ओपन वेल है तो बोर में भी मिला सकते हैं, ड्रिप से दे सकते हैं, नहीं नहीं बोर में नहीं, क्योंकि वॉल्यूम कितना जा रहा है, फिर वो 1 एकड़ का डोज ही नहीं जाएगा। हाँ हाँ, 2 साल पहले तो यही खेती होती थी। कि केचुए रहते थे जो उसकी जगह बनाते थे, हमारे हवा में इतने बेनिफिशियल बैक्टीरिया रहते थे, जो जमीन में इतने थे कि जरूरत नहीं थी, वो अपनी कॉलोनीज को सर्वाइव करते रहते थे, केमिकल्स डलने से कॉलोनीज खत्म हो गए। कहा हो गए।